मई का महीना है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि सियासत के बड़े बड़े महारथी हरियाणा के रण में कूद चुके हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सियासी रण की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि कोई भी पार्टी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी भी जीत के लिए खूब मेहनत कर रही है। हरियाणा में पार्टी जीत दर्ज करे इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोनीपत में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर खूब निशाने साधे। हुटा चोटाला चोटाला हुटा हुटा चोटाला यही किया ना भाई हमने। अरे स्वीकार तो करो यही किया ना, पीछे तक बोलो यही किया ना। देखिए हुटा आते थे तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और चोटाला आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। हरियाणा की जनता तो परेशान रहती थी ना, रहती थी या नहीं रहती थी? जरा जोर से बोलो। ये दो परिवारों ने भ्रष्टाचार और गुंडई से हरियाणा की जनता को त्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कानखोल कांग्रेस के जमाने में 3D चलते थे। 3D एक दामाद का डी चलता था, समझ रहे हो ना कौन सा दामाद? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक दरबारी का डील चलता था और तीसरा टेलर का डील चलता था। ये 3D के इर्द गिर्द कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार करते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में अमित शाह पानीपत में पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार में 3D काम करता था। 3D का मतलब दामाद, दरबारी और डीलर से है। उन्होंने चौटाला परिवार को भी आड़े हाथों लिया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी जनता को संबोधित किया है। बढ़ने के लिए हमारा जो संकल्प 2014 आते ही हमने लिया था उस समय काफी आगे बढ़े हैं। 3 महीने का समय शेष है। हम एक बार फिर इसी प्रकार के एक चुनावी परीक्षा में, एक चुनावी उत्सव में प्रदेश के नाते भी जाएंगे और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज हरियाणा में जैसे देश में वातावरण है ऐसे हरियाणा में भी एक वातावरण बना है कि हम 12 मई को एक प्रकार से जनता में विश्वास जागा है कि मई 12 बीजेपी दोबारा, मई 12। बहरहाल बीजेपी हरियाणा के सियासी समीकरणों को साधने में जुटी है। सीएम और राष्ट्रीय नेतृत्व जीत के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जीत किसकी होगी इसका फैसला 23 मई को हो जाएगा। सोनीपत से जयदीप राठी और पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।